जब कोई सब्जी ना मन करे खाने का तो आपके घर में गर्मी के मौसम में खीरा तो जरूर रहता है, तो इस तरह से बना दे रहता है चटपटा एकदम हल्की सी तीखा जो कि खाने में टेस्टी होते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हमें कुछ लाने का ज़रूरत नहीं अलग से, तो चलिए बनाना इन्हें शुरू करते हैं चटपटा रहता एकदम। हाय फ्रेंड्स, हम बनाएंगे कुकुम्बर से रायता। तो रायता बनाने के लिए हम यहाँ पे 250 ग्राम लिए हैं कुकुम्बर। हम लोग खीरा बोलते हैं, बहुत जगह कुकुम्बर बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आपको खीरा किस तरह से लेना है, बिल्कुल हरा और ताज़ा फ्रेश बिना बीज वाला खीरा लेना है। ये देसला खीरा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कट कर लें। रायता में भी हम आपको टिप्स बताएंगे, तभी रायता आप उंगलियाँ चाट चाट करके खाएंगे। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, देखिए इनमें से कुछ झाग निकलते हैं, मतलब गांव देहात में इन्हें फेन बोलते हैं, फेनना। हम लोग यहाँ पे झाग निकाल रहे हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से निकलेंगे, तो हमारा जो रायता बनेंगे बहुत ही मीठा बनेंगे, मतलब टेस्टी बनेंगे। इनको कट कर लेंगे यहाँ पर से, इतना हटा देंगे साइड में, और यहाँ पे इनका छिलका अच्छे से उतार लेते हैं। तो दोनों खीरा का छिलका हम उतार लेंगे इसी तरह से। देखिए कितना बढ़िया ताज़ा ताज़ा फ्रेश खीरा है, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेश, और ख़ास करके गर्मी के मौसम में तो पूछिए मत, बहुत ही लाजवाब होते हैं। जब मन करे तब आप बना सकते हैं, खाना के समय, नाश्ता के समय बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो बात करते करते यहाँ पे इस खीरा का भी हम निकाल लिए हैं छिलका, और इनको भी हम उसी तरह से फेंटेंगे। यहाँ पे खीरा को हम छिलका उतार लिए हैं, खीरा को हमको धोने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम धोकर पोछकर पहले ही से ले लिए थे। अब हम इन्हें चाहे तो आप बारीकी से करें, हमें थोड़े लच्छेदार चाहिए तो इन बड़े वाले से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम खीरा को साइड कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कद्दूकस करेंगे बहुत ही आसानी से, लच्छेदार। आपको देखिए कितना बढ़िया हो रहा है ना, इसी तरह से दोनों खीरा को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम खीरा को अच्छे से कद्दूकस कर लिए, अब देख सकते हैं कितना बढ़िया से लच्छेदार बने हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एक बॉल, और टिप्स के साथ बताएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लेंगे 250 ग्राम दही, हमारा 250 ग्राम खीरा है, 250 ग्राम दही लेंगे, और यहाँ पे आप अगर एक चम्मच चीनी पीसा हुआ अगर या बिना पीसा हुआ आप ले सकते हैं, आपका रायता नहीं तो ये ख़राब होंगे, बहुत ही टेस्टी लाजवाब होंगे। पर एक बार इस तरह से बनाए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, और इन्हें चाहे तो आप एक हफ्ता फ्रिज में रख सकते हैं यदि हम ऐसे बनाएंगे तो। यहाँ दही को हम हल्का फेंट लेते हैं अच्छे से, और दही के साथ हम लेंगे क्या लेंगे, यहाँ पे हम कुछ मसाला लेंगे, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 2 हरा मिर्च, अगर बच्चे को देना है तो हरा मिर्च स्किप कर दीजिएगा, आप ले लीजिएगा अलग से। यहाँ पे लेंगे स्वाद अनुसार नमक 1/2 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटा चम्मच हम लेंगे ये चाट मसाला, इनको हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे लेंगे 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और 1/2 पिंच लेंगे हम काली मिर्च, आपको नहीं पसंद है तो मत लीजिएगा। यहाँ पे लेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको फेंट लेना है अच्छे से एकदम बारीकी, और अब इसी में हम लेंगे खीरा, खीरा को भी हम अच्छे से मिला लेंगे इनमें, और इनको जब चाहे तब बना सकते हैं भाई, घर में बनाना है, बाहर से थोड़े ना लाना है। तो देखिए यहाँ पे एक भी बीज आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसी तरह से हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर रायता बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से बने हैं। तो चलिए अब इन्हें प्लेटिंग कर लेते हैं, और प्लेटिंग करने के बाद तो बच्चे लोग टूट पड़ेंगे बड़े के आने के पहले। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लेंगे एक खीरा का स्लाइस, तो देखिए यहाँ पर एकदम बीज नहीं है, इसी तरह से खीरा लेना है आपको, यहाँ रख दीजिए। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ी सी इन्हें गार्निशिंग कर दें, देखने में खूबसूरत लगेंगे, और टेबल पर रखें। मजाल नहीं है कि आपको मिल सकता है ये खाने के लिए, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग है वही चट कर जाएंगे। तो देखिए हमारा एक खीरा का रायता बनकर तैयार है फ्रेंड्स। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।